सूरजपुर में पहली बार खुले टोल प्लाजा पर क्षेत्र के लोगों ने अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। 28 अक्टूबर को नेशनल हाईवे 43 पर पचुरा गांव में टोल प्लाजा का शुभारंभ हुआ था और क्षेत्र के लोगों का कहना है कि टोल प्लाजा के कर्मचारी अवैध वसूली और दुर्व्यवहार कर रहे हैं। शिकायत के बाद विधायक और प्राधिकरण के अध्यक्ष केएल साय सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर स्थानीय लोगों को टोल प्लाजा में छूट देने की मांग की है। इसकी कोई सूचना जारी नहीं हुई थी, जिससे कि आम नागरिकों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है जिला के, और मैं चाहता हूं कि स्थानीय जो 10-20 किलोमीटर के लोग हैं, जिला के लोग हैं, उनको छूट दिया जाए। आवश्यकता है कि NHAI के रूल की फास्ट जो सुविधाएं हैं मिलेगी, फास्ट टैक्सी भी मिलेगी, उसमें यह है कि जो ट्रैफिक यहाँ जाम लगता है वो जाम नहीं लगेगा। हम लोगों को पास जो अप डाउन काटने का प्रक्रिया है हम लोग उसमें नहीं, हम तो एक ही पर्ची काट सकते हैं। शासन उसमें कर लेने का प्रावधान है तो टोल प्लाजा के मालिकों का अधिकार भी है, लेकिन जनता को सुविधा मिले। आम किसान अपना धान लेके आ रहा है, सब्जी लेके आ रहा है बाजार में बेचने के लिए, और उसको टोल देना पड़ रहा है रोज, तो ये उसके लिए नुकसानदेह है, इसलिए ऐसी मांग की गई है। इंदौर के